पटना में हुई बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस बारिश में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का घर भी प्रभावित हुआ है। 26M स्ट्रैंड रोड स्थित उनका सरकारी आवास जलमग्न हो गया। पटना और आसपास के क्षेत्रों में मानसून लगातार सक्रिय है। बता दें कि पटना में शनिवार रात और रविवार सुबह भी कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का घर भी प्रभावित हुआ है। पटना में हो रही बारिश के कारण तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में पानी भर गया, जिससे वहां की स्थिति खराब है। तेज प्रताप ने अपने आवास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा कि 26 स्ट्रैंड रोड में मुझे रहने के लिए जो सरकारी आवास मिला है, वहां की स्थिति चंद घंटों की बारिश में ही दयनीय हो गई है। जब विधायक आवास का यह हाल है तो जनता का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इधर बारिश की वजह से पाटलिपुत्र, रामकृष्ण नगर, राजीव नगर, इंद्रपुरी, जगनपुरा, खेमनीचक, राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कहीं आने जाने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों और सरकारी दफ्तर में भी पानी घुस गया और लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी भी उफान पर है और गांधी घाट की सीढ़ियों के ऊपर रिवर फ्रंट पर पानी बहने लगा है और LNDT कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप के पास पानी पहुंच गया है। बिंद टोली में पानी घुस गया है। इस कारण वहां के लोगों ने JP गंगा पथ के किनारे झोपड़ी बना ली है और अपने जानवरों के साथ डेरा जमाए हुए हैं। और AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास JP गंगा पथ के किनारे बने सर्विस रोड के आसपास की झोपड़ियों के आसपास पानी पहुंच गया है। जनार्दन घाट के पास शवों के अंतिम संस्कार के लिए बहुत कम जगह बची है, वहां लोगों के बैठने के लिए बने भवन में पानी घुस गया है। गुलबी घाट की सीढ़ियों पर पानी लगने के कारण शवों के अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन कई जगह बारिश की वजह से हुआ जलजमाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब भारतीय मौसम विभाग के पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अब आगामी 3 घंटों के लिए तत्कालीन पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य के 10 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के अनुसार दरभंगा, सीतामढ़ी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, गया, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में अगले 1 से 3 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि ये किसी बड़े खतरे का संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। IMD द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार बारिश के दौरान तेज हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा है। यदि आप किसी खुले स्थान पर हैं, तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में शरण ले लें और बिजली के खंभे या किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों, इनसे दूरी बनाकर रखें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, किसान भी अपने खेतों में न जाएं और मौसम के सामान होने की प्रतीक्षा करें। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।